कांग्रेस के जितने भी नेता हैं या बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं या आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कभी आदिवासियों के हित के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जाकर कोई काम उठाया है? मुझे पता है कि इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आज अगर 5-6 साल के बच्चे को आप सहयोग करेंगे तो 10 साल बाद, 10-12 साल बाद वो 18 साल का होगा, आपके लिए काम करेगा, वो शिक्षित होगा, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा। आपने आदिवासी क्षेत्र में कितने स्कूल खोले, कितने विद्यालय खुलवाए अपने निजी तौर पर, अपने संगठन के रूप में? कोई नहीं, केवल घड़ियाल के आंसू बहाए। अगर जातिवाद के दंश के केस सामने आते हैं, दलित जातिवाद के कारण दलितों की हत्या की जाती है, जातिवाद के कारण दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो कांग्रेस के ऐसे कितने लोग हैं, समाजवादी पार्टी के ऐसे कितने लोग हैं, आरजेडी के ऐसे कितने लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के ऐसे कितने सवर्ण लोग हैं जो आगे आकर के अंतरजाति विवाह करने की जिन्होंने बात की हो, सामूहिक रूप से उनका प्रमोशन किया हो, उनका सहयोग किया हो, या ऐसे जोड़े हो जो अंतरजाति विवाह कर रहे हैं उनका उनका सहयोग किया हो, या अपने बच्चों के अंतरजाति विवाह करने की घोषणा की हो? कोई नहीं। तो बेवकूफ किसे बना रहे हो भाई? केवल बीजेपी को रोकना ही तुम्हारा काम है। आप ये मिसाल पेश करो ना कि हम अंतरजाति विवाह कर रहे हैं, हम देश के लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम देश के संविधान पर विश्वास करते हैं। तुम नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनतावाद। साथियों, आज मैं आपको कोई खबर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां साथियों, जिस प्रकार से देश में माहौल है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी बुलडोजर के नाम पर, जिस तरह से देश के अंदर आम आदमी के जरूरी मुद्दों को भुलाकर जनता का माइंड डाइवर्ट करने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है, क्या ये जो देश के अंदर हो रहा है इसका तोड़ कभी विपक्ष निकाल पाएगा? बीजेपी जिस तरह से एक के बाद एक लगातार प्रोपोगेंडा रचने में कामयाब हो रही है, इसका तोड़ विपक्ष की तमाम पार्टियों के पास है? अगर है तो ये विपक्षी पार्टियों द्वारा वो कौन से कदम उठाए जा सकते हैं जिनकी बदौलत जो सत्ता पक्ष है, खास करके बीजेपी के जो षड्यंत्र देश की जनता के सामने आते हैं, उन पर गहरी चोट लगे। तो साथियों, आप बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना न भूलिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज होने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जो देश में माहौल है, जिस तरह से बीजेपी और सत्ता पक्ष एक के बाद एक षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी बुलडोजर के नाम पर, तो साथी मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के उन तमाम नेताओं से, विपक्ष की उन तमाम पार्टियों से जो कहते हैं कि हम जनता के मुद्दों को और देश को, देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम लगातार अग्रसर हैं और पूर्ण रूप से इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं उन पार्टियों से पूछना चाहूंगा, क्या बीजेपी जो प्रोपोगेंडा रच रही है, बीजेपी जिस तरह से समाज के अंदर नफरत फैला रही है, क्या आपका काम यहीं तक सीमित है कि केवल बीजेपी की अफवाहों को रोक सकें? क्या बीजेपी द्वारा या सत्ता पक्ष द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना ही आपके लिए पर्याप्त है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जब कोई मंदिर मस्जिद का मामला जनता के सामने आता है, ऐसी घटनाओं के बाद विपक्ष के नेता लगातार दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम जात धर्म पर विश्वास नहीं रखते हैं। चलो मान लिया जाए आप हिंदू मुस्लिम जाति व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आपकी क्या भूमिका है? आप समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम में समाज को बांट रही है, तो आपका क्या एजेंडा है, आपका मिशन और विजन क्या है जो हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा शांति बढ़ाई जा सके और हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा कायम रह सके? मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, आपने पिछले 4-6 वर्षों में ऐसे कौन से कार्य किए हैं जिसे जनता के सामने जाकर उन कामों का उदाहरण जनता के बीच में हम दे सकें या मीडिया प्रस्तुत कर सकती है या मीडिया प्रस्तुत करे? अब आती है जात व्यवस्था की बात। देश में तमाम जात उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, कभी राजस्थान में मूछों के नाम पर हत्या कर दी जाती दलितों की, कभी चमारों पर 5,000 रुपये जुर्माना और 50 जूते देने का ऐलान किया जाता है,
ये ऐसी, मैं मानता हूं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं, मैं मानता हूं कि ऐसे तमाम मुद्दे होते हैं जिनका जमीनी स्तर से कोई लेना देना नहीं होता, केवल जनता को भटकाने के लिए ऐसे वीडियो जानबूझकर वायरल किए जाते हैं। लेकिन जो विपक्ष है, खास करके समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, इसके अलावा जो छोटे छोटे संगठन गली मोहल्ले से लेकर हर 150 लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि हमारी भी एक अलग पार्टी है, हमारा एक अलग संगठन है, आप सभी ने जनता को यह बताने के लिए कि देश में जाति व्यवस्था पर हम विश्वास नहीं करते हैं, आपने क्या वो काम किए हैं जिसका उदाहरण हम देश की जनता के सामने रख सकें? ये मेरा बड़ा सवाल है और आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए। तीसरी बात, आदिवासियों के लिए रोना, देश की लगभग हर पार्टी रो रही है कि हम आदिवासियों के देशी हैं, हम आदिवासियों के लिए ये उपकार करने वाले हैं। अभी इसी कड़ी में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जा करके अमित शाह ने आदिवासियों को लुभाने के लिए खूब शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और प्रशंसा से भरे हैं। अमित शाह की इसी रैली के बाद दो आदिवासियों की गौहत्या के शक में लिंचिंग कर दी जाती है। यहाँ पर विपक्ष केवल इस भूमिका में नजर आता है कि जो दलित और आदिवासियों के साथ जो घटनाएं घटती हैं, उनका पीड़न होता है, उनका केवल विभिन्न नेता सोशल मीडिया पर डाल देते हैं खबर को, कुछ नेता उनकी जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो पर भी चले जाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे घड़ियाल के आंसू बहाने से क्या हो जाएगा? मैं फिर पूछना चाहूंगा कि आदिवासियों के लिए क्या किया? आदिवासियों की देश के अंदर जितनी आबादी है, आदिवासियों की बहुत बड़े भाग में, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, तो वहां पर मध्य प्रदेश या पूरे देश में आपने आदिवासियों के लिए क्या काम किए? मैं मानता हूं कि अभी आप कहो कि हम सत्ता में नहीं है, लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि चलो मान लिया जाए कि अभी कुछ वर्षों से आप सत्ता में नहीं है, सत्ता में होंगे तभी आदिवासियों के लिए काम किए जा सकते हैं क्या? सत्ता में रहने पर ही आदिवासियों के हित के लिए काम किए जा सकते हैं? ये मेरा बड़ा सवाल है और मैं बताऊंगा कि वो कौन से काम थे जो विपक्ष या जो तमाम पार्टियां जो घड़ियाल के आंसू बहाती हैं, वो दलितों के लिए क्या काम कर सकते थे, मुस्लिमों के लिए क्या काम कर सकते थे, आदिवासियों के लिए क्या काम कर सकते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या काम कर सकते थे, ये भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ विपक्ष की उन तमाम पार्टियों से जो आज तक अपना विजन और मिशन ही क्लियर नहीं कर पाई है। तो साथियों, अब समय आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि सत्ता पक्ष का जिन्हें संरक्षण मिलता है वो लोग समाज के बीच क्या करते हैं और विपक्ष उस घटना की प्रतिक्रिया में क्या करते हैं। सबसे पहले चुनाव के टाइम पर हिजाब का मामला आया, हिजाब का मामला जब सामने आया तो कांग्रेस या और भी जो विपक्षी दल हैं उन्होंने काम क्या किया? केवल इस आवाज को बुलंद करना कि हम हिजाब के समर्थन में हैं, इन्हें मुस्लिम जो युवतियां हैं उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जब जाति उन्मूलन के मामले सामने आते हैं तो केवल ट्वीट करके या जहां पर ये घटना होती है वहां पर कांग्रेस या अन्य पार्टियों के नेता जाकर के इस घटना की निंदा करते हैं। ऐसे ही अगर लाउड स्पीकर की बात आए तब भी ये निंदा करके अपना काम चला लेते हैं। जब बुलडोजर चलने की बात आती है तब विपक्ष कहता है कि नहीं, हम जो गरीब शोषित हैं उनके साथ हैं, सत्ता पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का रवैया नहीं हो सकता, यह सिर्फ तानाशाही सरकार में ही हो सकता है। तो अभी तक मैंने बताया कि पक्ष क्या करता है और विपक्ष उसकी प्रतिक्रिया में क्या करता है, अमूमन ऐसा ही विपक्ष द्वारा किया जाता है, केवल वो प्रतिक्रिया दे करके या ग्राउंड जीरो पर जा करके उस घटना की निंदा करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं ये तो उन्हें ही पता होगा, हो सकता है मेरे को कम जानकारी हो। अब बात करते हैं कुछ बहुसंख्यक समाज की प्रमुख पार्टियों की कि उनके नेता क्या करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अखिलेश यादव जी की, यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज हैं, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आई, ये जग जाहिर है कि बीजेपी सत्ता में हिंदुत्व के कारण आई, और आपको बता दूं हिंदुत्व सिर्फ हिंदुत्व नहीं, कठोर हिंदुत्व के कारण आई। अब हमारे नेता क्या करते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल के सत्ता में आना चाहते हैं, उसका नतीजा क्या होता है
अलुआ मिले न माड़े, दो दिन ते गए पाड़े। वो कैसे मैं बताऊंगा। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियों में जय परशुराम का नारा लगाते हैं, परशुराम मंदिर बनाने की बात करते हैं, तो इसके प्रतिक्रिया में क्या होता है? जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग होते हैं, बहुजन समाज के जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे नाराज होते हैं और इनसे दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जिसमें पिछले कुछ वर्षों से लगातार आप सुनते आ रहे होंगे कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। अब कितना ब्राह्मणों ने शंख बजाया या बैंड बजाया ये तो दुनिया जानती है, और कितना हाथी आगे बढ़ा या पीछे हटा है ये भी आप जानते हो। तेजस्वी यादव की बात करें, तेजस्वी यादव सामूहिक स्थलों पर मंदिर में खूब टीका और ब्राह्मण व्यवस्था का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं। इन्हीं सब बातों का खामियाजा इन विपक्ष की पार्टियों को झेलना पड़ रहा है। खामियाजा इसलिए कहूंगा कि बीजेपी सत्ता में कठोर हिंदुत्व के कारण आई है, और अगर आप चाहें अभी तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व आजमाने की बात कर रहे हैं, आप कठोर हिंदुत्व की बात करें ना, कठोर हिंदुत्व के हम तो पूरा एंड भगवा, हम केवल जय श्री राम के अलावा किसी की बात नहीं करेंगे, हमें दलितों से मतलब नहीं है, हमें मुस्लिमों से मतलब नहीं है, हमें बहुसंख्यकों से मतलब नहीं है, हम केवल हिंदू राष्ट्र के हिसाब से जो बीजेपी का जो सिस्टम है उस तरीके से हम अपनी पार्टी को चलाएंगे, फिर भी आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। उसका कारण आप जानते हो, उसका कारण मैं बता देता हूं कि जिसका दूध बिच रहा हो उसे दही जमाने की जरूरत क्या। जी हाँ, सही सुना आपने, जिसका दूध अगर बिचता हो वो दही क्यों जमाएगा। जो ब्राह्मण समाज है, जो सवर्ण विचारधारा के लोग हैं, जब उनके पास पहले से ही इतनी मजबूत पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, तो आप उनके लिए अपने कलेजा का टुकड़ा निकाल के रख देंगे, अपना दिल निकाल के रख देंगे ना, फिर भी आपको वोट देने वाले नहीं है। वो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर अपने फायदे के लिए आपकी पार्टी से जुड़ सकते हैं। अगर कोई आदमी अगर आपकी पार्टी से जुड़ता है, बहुसंख्यक समाज की पार्टियों से जुड़ता है, तो मुझे तो लगता है कि उनकी वाइफ भी उन पार्टियों से नहीं जुड़ेगी। ये देश की हकीकत है और यही सच्चाई है। शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे या जानते होंगे और महसूस करते होंगे तो आप उसको उजागर नहीं करना चाहते होंगे, इजहार नहीं करना चाहते होंगे। हकीकत ये है कि आज बीजेपी और आरएसएस के पास वो ताकत है कि वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में कामयाब हो जाती है। उसके पास वो सिस्टम है, उसके पास वो आईटी सेल है, उसके पास वो संगठन है कि अगर देश के अंदर कोई हीरो है, अगर उसने सोच लिया कि 24 घंटे के अंदर इसे विलेन बनाना है, तो उसे विलेन भी साबित कर देती है एक हद तक, और जो विलेन है उसे एक हद तक हीरो भी साबित कर देती है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, इनका काम केवल बीजेपी पर नजर रखना ही है या अपना भी कोई एजेंडा और अपना विजन और मिशन बनाना कोई उद्देश्य है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनकी असफलता का कारण, मेरे हिसाब से जहां तक मैंने राजनीति को देखा है, समझा है, परखा है, वो यही है कि जो बीजेपी करती है उसके प्रतिरोध में केवल अपना कड़ी प्रतिक्रिया बताती है। चलो मान, जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से आप समझोगे। जैसे कि मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूं, सिंपल सा। गांव में कोई किसान है और सामने वाले उसके विरोधी किसान क्या करते हैं, उसका खेत है, उसमें फसल खड़ी हुई है, उसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, उसमें कोई तार फेंसिंग नहीं है, और जो विपक्ष वाले हैं उसका जो विरोधी किसान है वो क्या करता है, अपने जानवरों को छोड़ देता है उस खेत में, और जो खेत मालिक है क्या करता है, बार बार उसको रोकने की कोशिश करता है कि नहीं आप, और फिर उसका प्रतिक्रिया देके उस मालिक से कहता है जानवर के से कि आपने हमारे खेत में क्यों छोड़ा ये जानवर। यही कहानी पर दूसरे दिन होती है, तीसरे दिन होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये किसान का कदम काफी है? नहीं, ये सही है कि उसको प्रतिक्रिया देकर उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन इसका एक और आगे का कदम यह होता है कि उस किसान को उस खेत की बाउंड्री करा लेनी चाहिए, उसकी तार फेंसिंग करानी चाहिए। ऐसा ही सिस्टम आज हमारे देश में हो रहा है। जब जब बीजेपी कोई प्रोपेगेंडा रचती है, विपक्ष उसको रोकने, उसकी केवल प्रतिक्रिया देता है।
और जो आगे का काम है वो क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। पहले आप ये बात समझिए, बीजेपी और आरएसएस के जो मुख्य बिंदु है प्रोपेगेंडा रचने के लिए वो ये है, हिंदू मुस्लिम, आदिवासियों का शोषण, दलितों का शोषण, जातिवाद, बुलडोजर, ये तमाम चीजें, नफरत फैलाना, ये इनके उद्देश्य हैं। लेकिन जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, वो क्या कर सकते हैं? आप भी तो कोई एक उदाहरण ऐसा पेश करो समाज के सामने, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, या बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, या आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने कभी आदिवासियों के हित के लिए आदिवासी क्षेत्रों में जाकर कोई काम उठाया है? मुझे पता है कि इसका रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आज अगर 5-6 साल के बच्चे को आप सहयोग करेंगे तो 10 साल बाद, 10-12 साल बाद वो 18 साल का होगा, आपके लिए काम करेगा, वो शिक्षित होगा, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा। आपने आदिवासी क्षेत्र में कितने स्कूल खोले, कितने विद्यालय खुलवाए अपने निजी तौर पर, अपने संगठन के रूप में? कोई नहीं, केवल घड़ियाल के आंसू बहाए। अगर जातिवाद के दंश के केस सामने आते हैं, दलित जातिवाद के कारण दलितों की हत्या की जाती है, जातिवाद के कारण दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, तो कांग्रेस के ऐसे कितने लोग हैं, समाजवादी पार्टी के ऐसे कितने लोग हैं, आरजेडी के ऐसे कितने लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के ऐसे कितने सवर्ण लोग हैं जो आगे आकर के अंतरजाति विवाह करने की जिन्होंने बात की हो, सामूहिक रूप से उनका प्रमोशन किया हो, उनका सहयोग किया हो, या ऐसे जोड़े हो जो अंतरजाति विवाह कर रहे हैं उनका सहयोग किया हो, या अपने बच्चों के अंतरजाति विवाह करने की घोषणा की हो? कोई नहीं। तो बेवकूफ किसे बना रहे हो भाई? केवल बीजेपी को रोकना ही तुम्हारा काम है। आप ये मिसाल पेश करो ना कि हम अंतरजाति विवाह कर रहे हैं, हम देश के लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, हम देश के संविधान पर विश्वास करते हैं, तुम नफरत फैलाओ, हम मोहब्बत फैलाएंगे, ऐसा उदाहरण कब आएंगे सामने? नहीं आ सकते। कांग्रेस देश में सत्ता में रही है तो निश्चित तौर पर उद्योगपति भी जुड़े होंगे, तमाम ऐसे बड़े बड़े कारखाने भी होंगे जहां पर दलित आदिवासियों के पढ़े लिखे युवाओं को अच्छी पोस्ट पर, नौकरी पर रखा जा सकता है निजी तौर पर। उसका उदाहरण पेश करो ना समाज के सामने कि देखो हमने इस जमीन स्तर से युवा को उठाकर इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है। ऐसे उदाहरण सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? केवल बीजेपी को कोसना ही कोई आपका भला करने वाला नहीं है। तो साथियों, ये थे आज का एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर मैंने चर्चा करना जरूरी समझा, क्योंकि जिस प्रकार से देश में माहौल है और विपक्ष एक के बाद एक लगातार फैल होता दिख रहा है। अभी एक और मैं टॉपिक रह गया, उसे मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार से बीजेपी 2014 में सत्ता में आई, अब कांग्रेस क्या सोचती है? केवल महंगाई का विरोध करके बीजेपी को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जो व्यक्ति किसी भी वस्तु का आविष्कार होता है, वो उस वस्तु को तोड़ने में, वो उस वस्तु को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर बीजेपी महंगाई का फुलझुड़ू लेकर सत्ता में आई तो वो जनता को गुमराह करने के लिए तमाम हथकंडे जानती है। तो यहाँ पर आगे कदम विपक्ष क्या उठाता है, क्या विजन सेट करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप देखते रहिए जनता आवाज, और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।